अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला रहमान है और मेरा ताल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से है। ये वीडियो कश्मीर के हवाले से है, कौमी यकजहती है कश्मीर के हवाले से, कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया गया था और आज 5 महीने ख़त्म होने को आ गए हैं, वो कर्फ्यू अभी तक लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को हर चीज़ में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनके पास खाने को राशन नहीं है, वो हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते, अगर बीमार हो रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं उनमें, बड़े लोग भी हैं, तो सब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हैं। और इसके ऊपर से पूरी दुनिया की नज़र हटी हुई नहीं है, क्योंकि ये मसला अक़वामे मुत्तहिदा में भी पेश हो चुका हुआ है और सारी दुनिया को पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। इसके बावजूद सारी दुनिया चुप है। तो सारी दुनिया चुप क्यों है? क्या इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है? हमारी गलती कहाँ है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे से इख्तलाफ करते हैं तो ये मेरी एक राय है जो मैं समझता हूँ, तो मैं वो आप सबके सामने रख रहा हूँ, तो इससे इख्तलाफ हो सकता है आप लोगों को। मेरी राय के बीच में हम जो नेशन है, हमारी जो कौम है, हम पाकिस्तानी, हम आज़ाद कश्मीर, हम जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, हम लोग बात ज़रूर कर रहे हैं लेकिन कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अभी भी आप YouTube ओपन कर लें, कोई डिफरेंट ऐप ओपन कर लें, वहाँ पे सारे इंडिया के साउंड्स पड़े हुए हैं और नीचे पाकिस्तानी धड़ाधड़ कमेंट्स किए जा रहे हैं। जब आप कमेंट कर रहे हैं तो जाहिर है आप उस चीज़ को देख भी रहे हैं और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से ये बेनिफिट हम उनको दे रहे हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम उनके साथ और कोई जंग नहीं कर सकते, हम एटलीस्ट उनका बायकॉट तो कर सकते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार और कुछ करो करो, एटलीस्ट इंडियन सॉन्ग्स का, इंडियन मूवीज़ का, इंडियन साउंड्स का, जो मुख्तलिफ ऐप्स लाइक टिकटॉक वगैरह के ऊपर चल रही हैं, इसके अलावा इंस्टा पे उनके मीमर्स पेज हैं, फेसबुक पे मीमर्स पेज हैं, यार एटलीस्ट इन चीज़ों का तो बॉयकॉट करना शुरू करो, ताकि कुछ ना कुछ तो उनको भी नुकसान हो, ठीक है, बड़ा नुकसान ना हो, छोटा ही दो, लेकिन अपने ऊपर जो है ना थोड़े से करो कि अपनी एफर्ट तो उसके बीच में शो करो ना। अभी तक एफर्ट कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी देखो इंडिया के साउंड्स के ऊपर वीडियोस बन रही होती हैं, तो जब इंडिया के साउंड पे वीडियो बन रही है तो जाहिर है उनकी साउंड चल रही है और उनकी एप्स चल रही हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है। तो और कुछ भी नहीं करें, अगर हम अपने ऊपर ही थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, तो हम उनको एटलीस्ट अपने हिस्से का, जो कश्मीरियों के साथ यकजहती शो करने का हमारा एम है ना, वो पूरा हो जाएगा। बोल कश्मीर की खातिर। थैंक यू।